वक्रतुन महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक ऐसी कहानी मैंने यहाँ जानी, जहाँ एक नादन बालक ने की शैतानी। महादेव जी सब देखे होके हैरानी, महादेव जी ना झेल पाए ये शैतानी। अब होगी युद्ध के आरंभ की तैयारी तैयारी, जब त्रिशूल से हुआ प्रहार देख के हैरानी हैरानी। सिर हो गया अलग जब पार्वती ने देखा ये सब, हो गया गलत पर सब कुछ हो जाएगा ठीक। पार्वती जी ने बोला चाहे मेरा बेटा भी के वक्त, निकले ढूंढने मिला हाथी के बच्चे का सिर, होके फिर से जिंदा पर हाथी के बच्चे के सिर के साथ। सब हंसे ना तो मिला सब देवताओं का वरदान, होके प्रथम पूज्य बने हमारे गणेशा लाल। सुमुखाय एक दंताय कपिलाय गज कर्णकाय, एक दुखी ऋषि गणेश जी के पास आए। पास आके ये परेशानियां बताए, मुझक ने करा है परेशान सबको। अब हुए क्रोधित गणेश आए, गणेश जी ने डाला पास हंस कर बेचारे मुझक आए। विनती करते करते फिर मान गए, बन गए सवारी मुझक आए। शिव का वरदान प्राप्त करके मच्छर असुर है, मच्छर असुर ने वरदान प्राप्त करके तीनों लोगों में हाहाकार मचाए। तीनों लोगों को बचाने के लिए वक्रतुन अवतार लाए, वक्रतुन अवतार लेकर मच्छर असुर को हराया। मच्छर असुर के जैसे मदासुर महासुर कमासुर लोभासुर क्रोधासुर ममासुर हंतासुर के जैसे अनेक असुरों को अपने वक्रतुन अवतार जैसे एक दंता महोदर विकट गजानंद लंबोदर विघ्नेश्वर धुन वर्ण जैसे अवतारों ने सब असुरों का विनाश किया। गणेश 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 जी। हाँ वही थे सब विघ्नों से बचाने वाले, सब असुर से हमें बचाने वाले। ऐसा मत समझना कि वो अकेले ऐसे थे, उनके जैसी इक्वल पावर वाले उनके बड़े भाई भी। हाँ उनकी ही बात कर रहा, कार्तिकेय। हाँ